हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम. मैं रिकी ज्ञान चैनल आज शादी पे उपाय देने जा रही हूँ. जिनकी शादी नहीं हो रही वो इन उपायों को करें, अवश्य आपका योग बनेगा. लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी, यदि आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जन्म पत्री दिखा देते हैं तो वो पर्टिकुलर आपको रेमेडीज़ बता देगा, जिसका यदि आप करेंगे तो असर बहुत अधिक होगा. फिर भी मैं रेमेडीज़ बताने की कोशिश करूँगी जो जनरल होंगे और किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, अगर आप इन रेमेडीज़ को करते हैं. हम रेमेडी करते क्यों हैं, जिन्हें हम उपाय कहते हैं हिंदी में, ताकि यदि कोई ग्रह किसी स्त्री के, किसी लड़की के लिए, किसी आदमी के लिए गलत हो, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उसकी शादी होना शुरू हो जाए. क्या कारण है? देखिए, यदि कारण हम जाने तो यहाँ पे हम लड़के लड़कियों का बृहस्पति और शुक्र इसका कारण मेनली मानते हैं. और भी बहुत सी गणनाएँ होती हैं जिनके कारण शादी में रुकावट आती है, जैसे कि यदि आप मांगलिक दोष आप पे लगा हुआ है तो भी दिक्कत आती है. और बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण शादी डिले या बार बार छूट जाना या शादी होने के बाद टूट जाना, इस प्रकार के कारण होते हैं जिसमें लड़की भी परफेक्ट है या लड़का भी परफेक्ट है, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. तो कारण सिर्फ एक नहीं होते, कारण हज़ारों होते हैं, इसके लिए समझना पड़ता है. फिर भी मैं उपाय दे रही हूँ. ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ये उपाय लड़के भी कर सकते हैं, ये उपाय लड़कियां भी कर सकती हैं. आपके कर्म स्वरूप आपको यहाँ फल प्राप्त होगा, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ कर्म प्रधान है. जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किया उसे आज, और आज जो कर रहे हैं उससे कल आपका बन रहा है. सबसे पहले जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, लड़के शुक्रवार के दिन और लड़कियां बृहस्पतिवार के दिन, या दोनों दिन जो आपको उत्तम लगे, बृहस्पतिवार के दिन पीले और यदि आप शुक्रवार के दिन आप यूज़ करते हैं, अगर शुक्रवार का आप इस्तेमाल करते हैं तो उस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए. इन दोनों दिन आप इस सफ़ेद वस्त्र या हल्के सफ़ेद या पीच कलर के ऐसे कपड़े और पीले या डार्क पीले इस तरह के वस्त्र यदि पहनेंगे तो यदि कोई ब्लॉकेजेस है तो निकलने लग जाएगा. दूसरी चीज़, यदि आपको लगता है आपकी शादी में बाधा इसलिए आ रही है, आपने कहीं जन्म पत्री दिखाई और किसी ने बांध रखी या कोई और प्रकार की समस्या है, तो मैं आज उसके लिए भी उपाय देने जा रही हूँ. आप लोग यथाचित अपने यहाँ पर सोते हैं जिस बिस्तर के नीचे, एक पुड़िया बना लीजिए. पुड़िया काले रंग की या नीले रंग की हो सकती है, ये आपका चुनाव है. उसके अंदर बहुत सारी पीली सरसों भर लीजिए और अपने सिरहाने पर रख के सोइए. सिरहाने पर रखने से भी आपकी जो भी समस्या होती है, जो भी परेशानियाँ होती हैं, वो निकलने लग जाती हैं. आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी राई का तकिया बनाया करती थी. ये तकिया मैंने अपने सभी को इस्तेमाल करते अपने यहाँ देखा है. एक कपड़ा ले लेती थी सॉफ्ट सा, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें राई भर लेती थी. काले रंग की राई का वहाँ इस्तेमाल होता था. उस काले रंग की एक किलो की राई या एक सवा किलो की राई भर के तकिए के नीचे रखा जाता था, उससे बच्चे को लिटाया जाता था. अवश्य अगर आप लोगों को ज्ञान होगा या थोड़ा बहुत आप उनसे पूछेंगे तो वो अवश्य बोलेंगे. कहते थे लॉजिकली से सर गोल हो जाता है, कारण वैसे कुछ और था, ताकि कोई ऐसी दशा जो हमारी ख़राब हो या कोई ऐसी दशा जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती, वो हम इसके थ्रू करते हैं तो वो दशा निकलनी शुरू हो जाती है. लॉजिकली इसका कारण ये है, नज़र दोष से बच्चा बचता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती शनि की दशा. और यथाचित जब वो उसका काफ़ी टाइम एक डेढ़ साल उसको राई का इस्तेमाल करते थे या छः महीने चार महीने, फिर उसको बदल देते थे, एक नया तकिया बना लेते थे. इससे बच्चे पे लगी दोष, अरे तुम बड़ा सुंदर है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम है. क्योंकि बच्चे की दशा पे 12 साल तक उसके माता माँ का असर रहता है, तो कई प्रकार की माँ को लगता है नज़र ना लग जाए, दूध पीते भी वो छुपा कर उसे पिलाती है. बहुत सारे कारण होते हैं, बच्चा सफ़ेद दूध पीता है वो भी कारण होता है कि राय के तकिए पर उसको बना के सुलाया जाता है तो उसे नज़र दोष हटती है. उसी प्रकार से नज़र दोष व्यक्ति पर जब शादी होने का टाइम आता है तो सेम प्रॉब्लम होती है. तो इस तरीके का एक छोटी सी पीले रंग का आपको पोटली बना के रखनी है. दूसरा एक महा उपाय देने जा रही हूँ. जिन लोगों की शादी बार बार पक्की होकर टूट रही है, मतलब पक्की हो जाती है, सब कुछ कंफर्म हो जाता है, फिर आपका दिमाग घूम जाता है या उसका घूम जाता है, या उस परिवारों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या आप पे बार बार दोष आ जाते हैं कि आपकी गलती, हमेशा वुमेंस की गलती इसमें आ जाती है, तुम्हारी गलती जिस कारण ये हो रहा है, तो उसका उपाय दे रही हूँ.
किसी भी नदी किनारे आप लोग जाइए, जो भी नदी आपको दिखती है, आपके पास समुद्र हो, नदी हो, स्वच्छ निर्मल जो भी नदी हो, वहाँ आप जाएं। वहाँ जाने के बाद में आपको क्या सामग्री ले जानी है, इसमें आपको पांच बताशे हल्दी की गांठ, आपको हल्दी पाउडर, पीली सरसों, आपको 5 फूल गुलाब के, साबुत गुलाब के अच्छे ले लीजिएगा, और आपको दीपक घी का, घी ना मिले तो तिल का दीपक, इसका आप सामग्री का इस्तेमाल कर लीजिए। और दोना आप वो रखेंगे वो, या आप कलावा या जो भी आप एडिशनल रखना चाहते हैं पूजा में, एक दोना ले लीजिए। वहाँ जाइए, अगर आप स्नान कर सकते हैं वहाँ बैठ के तो अति उत्तम है, और वहाँ स्नान कीजिए, प्रार्थना कीजिए जो भी गंगा जी, यमुना जी या जिससे भी आप कर रहे हैं। और ये आप संकल्प 7 दिन लेते हैं, 7 वीक्स का, कि हफ्ते में एक दिन, यदि लड़के हैं तो बृहस्पति, लड़कियां हैं तो बृहस्पतिवार के दिन, और लड़के हैं तो शुक्रवार के दिन अपना दिन चुन लीजिए, या फिर यथार्थ जो आपका दिन आप चुन सकते हैं वो चुन लीजिए और वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद में आपको स्नान करना है, स्नान करने के बाद में थोड़ी सी हल्दी पाउडर जो होता है अपने हाथों पे लगा लीजिए, पीला पीला थोड़ा हल्का सा, और स्नान करने के बाद में एक आप दोना लीजिए, दोने बीच में गुलाब के फूल रखिए, दीपक रखिए, 5 बताशे रखिए, हल्दी की राख रखिए, पीली सरसों रखिए, और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि मेरा जो भी घर है वो अच्छे से बसे आपके आशीर्वाद से, यदि कोई पूर्व जन्म के दोष हैं या इस जन्म के दोष हैं कोई भी है तो उसका निवारण हो। ऐसा कहकर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करके दीपक जला के वहाँ पर उस दोने को उस जल में छोड़ दीजिए। इस तरीके का भी करने से, या समुद्र है तो वहाँ भी करने से, क्योंकि समुद्र तो निधि कहलाता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के जितने भी दिव्य नदियाँ हैं सब समुद्र में ही जाके निकलती है, निधि सरोवर या निधि सागर के नाम से उसे जाना जाता है। यदि समुद्र भी मिलता है तो भी बड़ी अति उत्तम है, या कोई ऐसी पवित्र जगह जहाँ पर आप जाते हैं, ऐसे मानसरोवर, गंगा सरोवर हो गया आपका, और भी स्थान हो गए, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। दीपक जो आपको बनाना है, या तो आप आटे में हल्दी मिला के बना सकते हैं, या आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, वहाँ पे छोड़ दीजिए प्रार्थना करते हुए। अगर आप ये संकल्प ले लेते हैं और साथ कर लेते हैं तो आपको कोई भी दोष होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सा दोष का कारण आपका शनि दशा भी होती है, अगर शनि की दशा है तो सड़क के कुत्तों को मैं आपसे आग्रह करूंगी कृपा करके उनको कुछ ना कुछ खाना आप उनको देंगे, जो उनका अच्छा फूड होता है उनको देना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि हम अब देखिए समय बदल गया, मैं कोई रोटी लीजिए उस पर घी चुपड़ी उन्हें खिला दीजिए, कुत्ता क्या कोई आज नहीं खा, तो इस समय वक्त के साथ बदल गया। हाँ, उपाय ठीक है, करना अच्छी बात है, लेकिन मेरी यहाँ पर इंटेंशन ये है कि आपको उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, क्योंकि जब वो खातेंगे तृप्त होंगे तो वो दुआ देंगे, और जब दुआ देंगे तो यही मुझे आपके लिए चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको मार्गदर्शन देती हूँ, कर्म आपके हैं, भाग्य आपका है जो आपको आगे उन्नति कराए। मेरा काम इस चैनल के माध्यम से आपको उचित जो मेरे को ज्ञान है वो ज्ञान देना है, बाकी भाग्य आपका, उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होता है। तो मैं हमेशा आग्रह करती हूँ उनको आप विताचित दान कराएं। स्वप्न में बार बार शादी का टूटना, स्वप्न के अंदर आपको ऐसा दिखना कि कभी कुछ होगा नहीं, या जिन लोगों की शादी होकर बार बार टूट जाती है, जिन लोगों को अच्छे संबंध मिलने के बाद भी उन गलतियां हो जाती हैं या संबंध टूट जाते हैं, मधुर संबंध नहीं रहते, वो लोग यथाचित गाय को चारा डालना शुरू कर दें बुधवार के दिन, या जो भी दिन आपको उत्तम लगता है उस दिन के हिसाब से गाय को दिया हुआ चारा या गाय को दी हुई जो भी सामग्री होती है वो आपके संचित जो आपके कर्म होते हैं उन्हें काटने में पूर्णता सहायक होती है, कि गाय जो है वो हमारे लिए एक पवित्र देवता का स्थान रखती है, उसकी वाइब्रेशंस बहुत क्रिएट होती है। इसलिए कहते हैं अगर गाय घर में आना शुरू कर दे और घर की अपनी इच्छा से रोटी खाना शुरू करते आपके दरवाजे पर आकर रोज़ आवाज़ लगाए और रोटी खा के जाए, तो लक्ष्मी को आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, और जो लक्ष्मी आएगी वो स्थिर आएगी। लक्ष्मी चाहे सौभाग्य की हो, चाहे मान की हो, चाहे आपकी संतान की हो, चाहे आपके योग्यता की हो, कोई भी लक्ष्मी के रूप में जो आएगी वो वहाँ पर दृढ़ और पूरे सबूत अपने पूरी 100% अफर्मेशन के साथ वहाँ रहेगी। ये हो गई शादी की बात। अब
मैं एक ऐसा सुझाव दूंगी, यदि आपके घर में कोई कलेश है, आपके घर के कारण शादी टूटती है, सच संबंध घर में अच्छे नहीं होते, शादी के बाद कलह रहती है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप अमावस्या के दिन में पीली सरसों को देना शुरू कर दें दान, चाहे आप पीली दें चाहे काली दें। सरसों का दान अमावस्या वाले दिन वंश न मंत आती है यथाचित आप किसी व्यक्ति को देना शुरू कर दें। अगर आपके घर में ग्रह कलेश बहुत हो रही है, घर के अंदर आपके इसी कारण से संबंध टूटते हैं, घर के किसी कलेश के कारण या कोई ऐसा पूर्वजों का ऐसा श्राप लगा रहा है जिसके कारण, तो अमावस्या के दिन ये काम करें। या किसी पंडित जी को यदि वो आ जाते हैं आपके घर में, तो उनको अच्छा सा खाना भोज कराइए, खीर या दूध मेवा का उनका उनको ज़रूर उस अमावस्या के दिन उन्हें ज़रूर ऑफरिंग कीजिए। या कोई ऐसा मंदिर ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप जो उनके पंडित जी का खाना वहाँ भिजवा सकें। अभी तो कोविड चल रहा है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, नहीं तो आप साबुत जो सामान होता है जैसे आटा दाल चीनी जो भी होती है वो पहुँचा दें, ताकि उसमें मसाले जिसके अंदर आप सरसों ज़रूर हो वो दे के वहाँ पंडित जी को पहुँचाना शुरू कर दें। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये काम आपको वंश न मंत अमावस्या के दिन में करना है। ये आपके कितनी आपकी यथाशक्ति है उसके अनुसार कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सभी प्रकार की दे रही हूँ, इनमें से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार आप अवश्य कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में कोई रुकावट है, किसी प्रकार का दोष आ रहा है, तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूँगी रेखी की। जो लोग रेखी से जुड़े हुए हैं, जो रेखी का ज्ञान जानते हैं, वो यहाँ पर सेहिकी का इस्तेमाल करें और उसकी वाइब्रेशन से यदि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपकी बॉडी में या आपके आसपास गलत क्रिएट हो रही है, जो आपको मिलने नहीं दे रही, जुड़ने नहीं दे रही, इमोशनली आपको अटैच होने नहीं दे रही, तो वो भी यहाँ से निकालना शुरू कर देगी। मगर इसके लिए जिन व्यक्ति ने अट्यूनमेंट ले रखा है वो ही करें, जिन्होंने अट्यूनमेंट नहीं ले रखा वो सेहिकी का इस्तेमाल कृपा करके ना करें। जो अन्य मेरे उपाय हैं ज्योतिष वास्तु के वो करें। मैं जो भी उपाय देती हूँ वो कारगत होते हैं, जिनका हम सालों से इस्तेमाल हम ज्योतिष वास्तु के थ्रू कर रहे हैं। आप इनको कीजिए, आप देखिए चेंजेस आएंगे, नेगेटिविटी जाएगी और शादी के योग भी वहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसको आपको अपने दृढ़ संकल्प और एक लंबी इच्छा पूर्ति के साथ करना पड़ेगा, यानी एक बार कर लिया और हो ही नहीं रहा पूरा। कोई भी उपाय कीजिए, पहले रखिए विश्वास होगा कैसे नहीं होगा, उसके बाद देखिए आप कीजिए, उसकी वाइब्रेशन ही अलग क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। रेखी वास्तु से मैं जुड़ी हूँ, हमेशा आपको सुझाव देती हूँ, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। जिनकी नहीं हो रही सोचिए कितनी आपको दुआ मिलेगी, और जब दुआ मिलेगी तो आपके बिजनेस नहीं चल रहा, कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कि ये वो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कर्म और दुआ दो ही तो चीज़ ज़िंदगी में खकार होती है। ऊपर तो हम कितने भी धनाढ्य हों, कहीं हमारे जेब तो हमारे यहाँ नहीं लगी, इतना भी पैसा हो जाना तो खाली हाथी है ना, और जाएंगे कि असंचित कर्म आशीर्वाद पुण्य कर्म। तो बस हर पल ये सोच के काम कीजिए, आप जो शेयर करेंगे जिसकी नहीं हो रही और हो गई तो सोचिए कहीं से वीडियो ज़रूर आया था जिसके कारण ये हुआ, या वो वीडियो ने मेरी ज़िंदगी बना दी। ऐसा एक बार आदमी बैठ के सोचता है और जो वहाँ वाइब्रेशन निकलती है वही हमारे बनते बनते, जो हमारे काम नहीं बनते उनको बन टूटे टूटे काम को तुरंत बना देती है। रेखी ज्ञान से जुड़े हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं आप सभी लोगों का, मैं यामिनी शर्मा अपने रेखी ज्ञान चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।